नमस्कार दोस्तों, मैं सुभान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं हेलो केन तथा हेलो एरिन, जिसके पिछले लेक्चर आपके कवर किए जा चुके हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6.5। दोस्तों, लेक्चर नंबर 6.4 तक हमने आपका कवर करा दिया है। उम्मीद करते हैं आपने लेक्चर नंबर 6.4 तक बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। सो दोस्तों, बढ़ते हैं इस लेक्चर में और देखते हैं इस लेक्चर में भी हमको क्या पढ़ना है। दोस्तों, लेक्चर नंबर 6.4 में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं करा रहे थे, जिसमें हमने आपको विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कराई थी और भी कई सारी अभिक्रियाएं कराई थी। सो दोस्तों, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की हम अपनी नई रिएक्शन देखेंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं इस लेक्चर में हम कौन सी रिएक्शंस को पढ़ेंगे। सो दोस्तों, जैसा कि हमने यहां पर हेडिंग बना लिया है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया, नाम ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज कई जगह होने वाला है। आगे के जो लेसन्स है उनमें भी यूज होगा और इस लेसन में भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का यूज होने वाला है। सो दोस्तों, ये जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी भी हम बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा क्या है, हम एल्किल हैलाइड के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा, चलिए एल्किल हैलाइड ले लिया हमने, RX ले लिया। अब ये रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा हमको ये देखना है, और बनाएगा क्या, हमको बात क्या करनी है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के बारे में। अब ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक एल्किल हैलाइड कैसे बनाएगा, दोस्तों एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMgX, क्या होता है, R, M, G और X, ये क्या होते हैं, ग्रिगनार्ड रीजेंट होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रीजेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, अब R, M, G, X रिएक्शन करेगा, कैसे क्या होगा, इसमें हम रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम से, ठीक है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का हमने फॉर्मूला बता दिया, क्या होता है, आर एम जी एक्स होता है। हमने क्या कहा, सर जो एल्किल हैलाइड है ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा और आपको क्या दे देगा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक दे देगा। यानी यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आर एम जी एक्स, और यही क्या होता है, आपका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। दोस्तों, ये जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, आर एम जी और एक्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर इसकी रिएक्शन किससे करा दी जाए, H2O से रिएक्शन करा दिया जाए। किसके साथ रिएक्शन करा दिया जाए, ये जो ग्रिगनार्ड रिजेंट है इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा दी जाए तो हमको मिलेगा क्या। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां से अगर ध्यान से देखेंगे H2O को क्या लिख सकते हैं, H into OH लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये वाला H किसके साथ चला जाएगा, R के साथ चला जाएगा, यानी R सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, H R के साथ चला गया और बचा क्या आपके पास, Mg बचा। चलिए यहां पर प्लस आपको क्या मिल जाएगा, प्लस मिलेगा Mg, और यहां से आपके पास क्या बचा हुआ है, OH, और यहां से आपके पास क्या बचा हुआ है, सर ये X हमारे पास बचा हुआ था, ये एक्स हमने यहां पर लिख दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ सर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड है ये। अब बात करते हैं सर, ये हुआ क्या यहां पर, ये जो ग्रिगनार्ड रिजेंट है वाटर के साथ रिएक्शन करके, ये RH का मतलब क्या हुआ, RH का मतलब होता है दोस्तों एल्केन। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब सिंपल होता है एल्केन। एल्केन का मतलब क्या हुआ सर, R को क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। और एल्किल कब बोलते हैं, जब किसी भी केमिकल स्पीसीज से या किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तभी तो उसको एल्किल बोला जाता है। अब हमने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन हमने निकाला है वहां पर हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब हाइड्रोजन अगर लगा दिया गया तो वो क्या हो गया, एल्केन हो गया, सिंपल सी बात है। इसको अगर एग्जांपल के थ्रू समझना चाहते हैं तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में जाएंगे तो R की जगह हम क्या ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, ठीक है, CH3 ले लिया। X की जगह क्या ले लें, Cl ले लें, चलिए हमने Cl ले लिया। किसके साथ रिएक्शन कराया, Mg के साथ रिएक्शन कराया, तो हमको मिलेगा क्या सर, मिलेगा RMgX। R की जगह हमने क्या लिया था, CH3, Mg यहां लग जाएगा, X की जगह क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर क्या होगा सर, वो जो CH3, Mg और Cl है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और आपको क्या देगा सर, आपको पता है इस CH3 में यहां से H2O टूटता है H into OH में, यहां से H क्या होगा, CH3 के साथ इसके साथ आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं। प्लस यहां से क्या आ जाएगा सर, Mg OH
और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, सी एल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए जरा, सी एस थ्री था, सिंगल बॉन्ड एच बना, इसको क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। लेकिन अब यहां पर तीन एच है, एक एच और आ गया, टोटल एच कितने हो गए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी एस थ्री के बजाय इसको हम डायरेक्ट क्या सी एच फोर लिख सकते हैं कि नहीं, आंसर क्या होगा, यस सर लिख सकते हैं। जब हमने इसको सी एच फोर लिख दिया, अब ये क्या हो गया, मेथेन हो गया कि नहीं हो गया, यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से आप एल्केन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्केन कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका हमने मेथड आपको बता दिया। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन समझ में नहीं आएंगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। हमने यहाँ पर रिएक्शन लिख लिया है मिश्र धातु से अभिक्रिया। अब देखते हैं जरा, एल्किल हैलाइड जो होता है वो मिश्र धातु से रिएक्शन करके हमको क्या देता है। सो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको क्या मिला, आपने एल्किल हैलाइड लिया, मिश्र धातु आपने कौन सी लिया, सोडियम और लेड। पीबी का मतलब क्या होता है, लेड होता है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या देता है, आर फोर पीबी यानी एल्किल लेड देगा, प्लस 3PB यानी लेड देगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ NaX। NaX का मतलब क्या हुआ, सोडियम हैलाइड देता है। सिंपल सी बात है, जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो रिएक्शन करके क्या क्या देते हैं, जैसे हमने देखा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक हमको कैसे देगा एल्किल हैलाइड, उसकी बात कर ली। इस तरीके से अब हम ये देख रहे थे कि एल्किल हैलाइड अगर मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमको क्या देता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। एल्किल हैलाइड कुछ अपचयन अभिक्रियाएं भी देते हैं। ये अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले इन रिएक्शंस को लिख लेते हैं फिर इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो अपचयन अभिक्रियाएं देते हैं। ये अपचयन अभिक्रियाएं किसके द्वारा अपचयित होते हैं और किसमें अपचयित होते हैं, यानी जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो किस चीज में अपचयित हो जाते हैं। लिखा गया है एल्किल हैलाइड की अपचयन अभिक्रियाएं कैसे होती है। लिखा है एल्किल हैलाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कॉमा जिंक प्लस SCl कॉमा PD और C, यानी PD का मतलब होता है पैलेडियम होता है, यहाँ पर ये PB नहीं है बल्कि PD है, पैलेडियम होता है, और इसके साथ क्या है कार्बन कॉमा HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस आदि क्या करते हैं। तो लिखा है सर एल्केन में अपचयित करते हैं, इसका मतलब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जिंक और HCl है, पैलेडियम और कार्बन है, और हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस है, वो सब क्या करते हैं, जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनको एल्केन में अपचयित करते हैं। अब एल्किल हैलाइड क्या होता है सर, RX होता है, हमने क्या बताया था एल्किल मतलब R, हैलाइड मतलब X। अब RX को एल्केन में अपचयित करेंगे, अब एल्केन कब बनेगा, एल्किल कब होता है, जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो एल्किल, जब एक हाइड्रोजन उसमें जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो एल्केन में बदल जाएगा। सो दोस्तों पहली रिएक्शन लिखी है 4 टाइम्स ऑफ RX, RX कितना लेना है आपको, एल्किल हैलाइड कितना लेना है, 4 टाइम्स लेना है। यहां पर क्या लिया हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, उपस्थिति किसकी है, ईथर की है। अब इसका होगा क्या सर, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये क्या करता है, ये अपचयित कर देता है, किसको अपचयित करेगा, तो सिंपल सी बात है एल्किल हैलाइड को एल्केन में अपचयित करेगा। अब यहां से क्या हुआ, ये एक्स क्या हो जाएगा, लिथियम के साथ बाहर हो गया, यानी ये वाला जो एक्स है इस Li के साथ क्या हो गया, बाहर हो गया, यानी 4 टाइम्स ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है, लिथियम के साथ क्या हुआ, एक्स आपका बाहर हो गया। अब बात करते हैं एक्स यहां पर है कितने, यानी जो हैलाइड है यहां पर कितना है, 4 हैलाइड है, एक ही हैलाइड तो बाहर हुआ है। अभी आपके पास क्या बचा हुआ है सर, एल्यूमिनियम बचा है, आपके पास जो एल्यूमिनियम बचा है वो एक्स के साथ क्या हो जाएगा, बचे हुए 3 एक्स के साथ बाहर हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड बोलेंगे, इसको लिथियम हैलाइड बोलेंगे। अब आपके पास क्या बचा हुआ सर, 4 एच बचे हैं और R कितना है, 4, यानी सिंपल सी बात है यहां से देखिए जरा, R कितना है, 4 है, और H कितना है, 4 है कि नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्केन। हमने क्या बताया था, हमने कहा था जब एल्किल ग्रुप में एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो किस में बदल जाता है, एल्केन में। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जरा देखिए ये एक्स बना है कि नहीं, जब हमने हैलोजन को हटाया और यहां पर क्या जोड़ दिया, एच जोड़ दिया, जब एच जोड़ दिया पहले था एल्किल, जब एच जोड़ा तो क्या हो गया, एल्केन में बदल गया,
तो सिंपल सी बात है, ये इसने क्या किया, इसको एल्केन में अपचयित कर दिया। किसको किया, एल्किल हैलाइड को एल्केन में अपचयित कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, यहां पर एल्किल हैलाइड यहां पर भी हमने लिया है, लेकिन यहां पर हैलाइड की जगह हमने क्या ले लिया, आयोडाइड ले लिया है। आपकी इच्छा की बात है, आप हैलाइड लीजिए, आयोडाइड लीजिए, क्लोराइड लीजिए, ब्रोमाइड लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे फ्लोराइड नहीं लेना है। तो एल्किल हैलाइड यानी एल्किल आयोडाइड हमने यहां पर ले लिया। अब यह किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में करेगा, तो यहां पर क्या दिखा सकते हैं, जिंक प्लस HCl, यहां पर क्या दिखा सकते हैं, PD और कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस। तो इनकी उपस्थिति में क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो अपचयित हो जाते हैं, किसमें अपचयित हो जाते हैं, एल्केन में। अब ये उपस्थिति किसकी है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है कि नहीं है, और किसकी उपस्थिति में, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक उपस्थिति में ये क्या हुआ, जो एल्किल होता है वो किसमें बदल गया, एल्केन में परिवर्तित हो गया। RH का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर पहले था एल्किल, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, अब ये किसमें बदल गया, एल्केन में परिवर्तित हो गया, नो प्रॉब्लम। साथ में आपको क्या मिल गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, जो एल्किल आयोडाइड है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, उपस्थिति किसकी रहेगी, पैलेडियम और कार्बन की रहेगी। इसके साथ ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा, और आपको क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी प्रकार ये भी एल्किल आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की उपस्थिति में क्या देता है, एल्केन देता है। दोस्तों ये रिएक्शन अभी हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, सारी चीजें भूल जाइए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जो एल्किल हैलाइड होते हैं ये जब अपचयन अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन देते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, जो एल्किल हैलाइड होता है यानी जो RX होता है, जब उसका अपचयन होगा तो वो क्या देगा, एल्केन देगा। और इतना ध्यान रखना है, जो R होता है वो एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप को जब आपको एल्केन में बदलना होगा तो आपको वहां पर हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तभी वो एल्केन में परिवर्तित होगा। और दोस्तों उसके बाद आप इन रिएक्शन को पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरीके से रिएक्शंस तैयार हो जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों जो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसा सभी को पता रहता है, वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, हैंड रिटन नोट्स में मिल जाती है। और वो हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया जाता है, लिंक पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, PDF को डाउनलोड करते हैं। और जब तक PDF डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो नोट्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दोस्तों इसको हटाते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ और हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। सो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है एथिल ब्रोमाइड। हमको ये देखना है जो एथिल ब्रोमाइड है वो कैसे बनाई जाएगी। सो दोस्तों बनाते हैं एथिल ब्रोमाइड को और देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एथिल का मतलब क्या होता है, हमने कई बार बताया, एथिल का मतलब क्या होगा, कार्बन कितने होंगे, दो कार्बन होगा, C2H5, ये तो हो गया एथिल, और ब्रोमाइड है तो इसीलिए यहां पर क्या लगाया जाएगा, ब्रोमाइड लगाया जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा सर एल्किल हैलाइड के बारे में, यही पढ़ा है। अब एल्किल की जगह हमने क्या लगा दिया, एथिल लगा दिया, हैलोजन की जगह हमने क्या लगा दिया, ब्रोमाइड लगा दिया, नाम क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H5Br, या आप इसको CH3CH2Br भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए जरा, कार्बन दो है कि नहीं है, बिल्कुल है, दो कार्बन है, पांच हाइड्रोजन है, एक Br है, चाहे आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एथिल ब्रोमाइड को बनाया कैसे जाएगा। सो दोस्तों सबसे पहली विधि हम बात कर रहे हैं प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। दोस्तों यहां पर जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं, जैसा सभी को पता रहता है, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, और एथिल ब्रोमाइड भी इसी क्रम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एथिल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाएगा। सिंपल सी बात है, एथिल ब्रोमाइड को आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम यहां पर क्या लेंगे सर, एथिल एल्कोहल लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, एथिल एल्कोहल लेंगे। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, NaBr के साथ कराएंगे, और किसके साथ कराएंगे, H2SO4 के साथ कराएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला विधि से अगर आपको एथिल ब्रोमाइड बनाना है तो आप एथिल एल्कोहल लीजिए, सोडियम ब्रोमाइड लीजिए और सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए। जब आप इनकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, यानी C2H5 यहां से मिलेगा, Br यहां से मिल जाएगा, तो यहां से आपको क्या मिला, C2H5
बी आर मिल गया। प्लस हमने कई बार बताया है जब H2SO4 लेते हैं तो इसको हम H इंटू HSO4 लिख सकते हैं, तो ये HSO4 किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, Na के साथ, और क्या बनाएगा, NaHSO4 बना देगा। प्लस बात करते हैं, अब सोडियम हो गया, ब्रोमाइड हो गया, C2H5 हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी आपके पास क्या बचा हुआ है, OH बचा हुआ है और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा, यानी क्या बन जाएगा, यहां से आपको H2O मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। यही है एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या कहा गया सर, जब आप एथिल एल्कोहल लेंगे उसकी सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एथिल ब्रोमाइड मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये तो हुई प्रयोगशाला विधि। चलिए अन्य विधियां भी देख लेते हैं। पहली विधि हमने ये देखा, अन्य विधियों के द्वारा हम एथिल ब्रोमाइड को कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं सर, हमने यहां पर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, तो सभी लोग क्या बताएंगे सर, सर इसका नाम होगा एथिलीन। एथिलीन क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यही तो होगा, आयन तो होगा नहीं, एन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, ईन आएगा। और अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ, HBr के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, सो दोस्तों सभी को पता है आपको क्या मिलेगा, यहां से सर CH3 मिलेगा, CH2 मिलेगा और Br मिलेगा। जरा देखिए क्या ये एथिल ब्रोमाइड है कि नहीं है, बिल्कुल आंसर यही होगा सर, CH3 CH2 Br ये मिला हुआ है। प्लस आपको क्या मिलेगा सर, आपको मिलेगा यहां से अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान का देना है, क्या ये रिएक्शन हमने करवाई है कि नहीं करवाई है, तो आंसर क्या होगा सर, आपने ये रिएक्शन करवाया है। और हमने ये कौन सा रिएक्शन बताया था, हमने बताया था खैरेस प्रभाव, बताया था आपको खैरेस प्रभाव किसके अकॉर्डिंग काम करता था, वो ये कहता था कि ये मार्कोनी काफ के नियम के हिसाब से चलेगा। मार्कोनी काफ का नियम क्या कहता था सर, जब हाइड्रोजन हैलाइड जो रिएक्शन करता है किसके साथ, किसी भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो हैलाइड का जो ऋणात्मक भाग होता है वो उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है या न्यूनतम होती है। ये हमने मार्कोनी काफ का नियम आपको करवाया था। सो दोस्तों यहां पर हमने देखा ये जो हाइड्रोजन है इस पर होगा पॉजिटिव, इस पर क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ये हैलाइड का ऋणात्मक भाग कहां जोड़ेंगे, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का क्या होगी, कम होगी। अब जरा देखिए ये दो ही तो कार्बन परमाणु ऐसे हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन दो है, इसमें भी हाइड्रोजन दो है, दोनों में ना तो कम है ना ज्यादा है, दोनों में क्या है, हाइड्रोजन परमाणु बराबर है। जब दोनों में हाइड्रोजन परमाणु बराबर है तो आपकी इच्छा की बात है, आप चाहे यहां भी आर जोड़िए चाहे यहां भी आर जोड़िए, हमने क्या कर दिया यहां पर बी आर को जोड़ दिया। और बी आर कब जुड़ेगा, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तभी तो कोई चीज जुड़ेगी, क्योंकि आप कुछ हटा तो नहीं रहे हैं, बल्कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी आप यहां पर बी आर को जोड़ पाएंगे। हमने क्या कर दिया यहां पर बी आर जोड़ दिया। अब ये जब डबल बॉन्ड टूटा तो यहां पर अभी एच बाकी है, ये एच कहां आ जाएगा, ये एच यहां पर आ जाएगा, और यहां पर पहले से दो एच थे और एक एच और आ गया तो क्या हो गया, सी एच थ्री हो गया कि नहीं हो गया, तो यहां पर आपको क्या मिला सर, CH3 CH2 Br, यानी यहां से भी आपको क्या मिल गया, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। दोस्तों हमने बोला एथिल ब्रोमाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने के साथ हम क्या सीख रहे हैं यहां पर कि एथिल ब्रोमाइड को आखिरकार बनाया कैसे जाएगा। जैसा हमने प्रयोगशाला विधि के अकॉर्डिंग देखा, फिर हमने क्या देखा, मार्कोनी काफ के नियम के हिसाब से हमने क्या कर लिया, एथिल ब्रोमाइड को बना लिया। चलिए अगली रिएक्शन भी देख लेते हैं। अगली रिएक्शन हम यहां पर ले रहे हैं C2H5OH प्लस किसके साथ रिएक्शन करा दिया जाए, यहां पर लाल फास्फोरस और यहां पर हम लेंगे ब्रोमीन। क्या लेंगे सर, C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल लिया, ये फास्फोरस कैसा है, लाल फास्फोरस है, और यहां पर हमने क्या लिया है, ब्रोमीन लिया है। अब दोस्तों देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा, यहां पर हम क्या कर देते हैं, 3 times आप Br2 लेना है, और क्या ध्यान रखना है सर, यहां पर आपको लेना है
सिक्स टाइम्स ऑफ C2H5OH लेना है और टू टाइम्स ऑफ P लेना है। इतना ध्यान रखिएगा कि क्या करना है सर, जब एथिल एल्कोहल होता है लाल फास्फोरस यहां पर हम लिख देते हैं, किसके साथ रिएक्शन करेगा, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, एथिल एल्कोहल लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एथिल ब्रोमाइड। जरा देखिए एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाएगा, ये C2H5 है, ये Br है, कितने C2H5 हैं, सिक्स टाइम्स ऑफ C2H5 हैं और आपके पास Br भी कितने हैं, सिक्स टाइम है कि नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स टाइम्स ऑफ C2H5Br एथिल ब्रोमाइड बन गया। अब आपके पास क्या बचा सर, आपके पास बचा है सिक्स टाइम्स ऑफ H, क्या बचा हुआ है, सिक्स टाइम एच बचा है, सिक्स टाइम्स आपके पास ऑक्सीजन बचा है और टू टाइम्स फास्फोरस बचा है। अब ये क्या बनाएगा सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ H3PO4, इसको क्या बोलते हैं, आर्थोफास्फोरिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, आर्थोफास्फोरिक एसिड। जरा देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, छह हैं कि नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया, छह हाइड्रोजन हो गया, सॉरी PO4 नहीं होगा, PO3 होगा, छह हाइड्रोजन हो गए, फास्फोरस कितने हो गए, दो फास्फोरस हो गए और छह क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो H3PO3 ये क्या होता है आपका, आर्थोफास्फोरिक एसिड होता है। सो दोस्तों इस तरीके से हमने ये देखा कि एथिल ब्रोमाइड को कैसे बनाया जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण की तरफ, फिर हम क्या पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण। दोस्तों बात करते हैं एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण, यहाँ पर हमने कुछ भौतिक गुण लिखे हुए हैं, इन भौतिक गुणों को ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर, एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, रंगहीन होता है, तो हमने डायरेक्ट की पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो एथिल ब्रोमाइड कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसका मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, एथिल ब्रोमाइड जो होती है वो कैसी होती है, वाष्पशील होती है, इसका मतलब ये क्या होती है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एथिल ब्रोमाइड जो होती है वो भारी द्रव होता है, कैसा होता है, भारी लिक्विड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एथिल ब्रोमाइड की जो गंध होती है वो कैसी होती है, मीठी होती है। मीठी गंध कैसी होती है, सिंपल सी बात है, जब आप कहीं जाते हैं कि हलवाई की दुकान में जाते हैं, साइड में रसगुल्ले अगर रखे हुए हैं तो वहां पर आपको एक गंध महसूस होती है, वो कैसी होती है, मीठी होती है। सो कुछ इसी तरीके से एथिल ब्रोमाइड की भी गंध क्या होती है, मीठी होती है। नेक्स्ट लिखा है, एथिल ब्रोमाइड जो होता है वो जल में अविलेय होता है परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलेय होता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुणों को हम कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों यहां पर हमने हेडिंग बना लिया है, एथिल ब्रोमाइड पढ़ रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड को हमने सबसे पहले बनाया, फिर उसके हमने भौतिक गुण पढ़े, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण आखिरकार क्या होंगे। सो दोस्तों जब हम किसी के रासायनिक गुण पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको तो जरूर लेते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि वो रिएक्शन किसके साथ करेगा और हमको क्या बना के देगा। तो सिंपल सी बात है, एथिल ब्रोमाइड के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड। चलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया सर, एथिल ब्रोमाइड लिख दिया, C2H5Br। अब देखते हैं ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, चलिए हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराते हैं कास्टिक सोडा के साथ। कास्टिक सोडा होता है ये कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो आप ऑटोमेटिक दिमाग लगाइए, एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर इस रिएक्शन को करिए, फिर देखिए क्या ये रिएक्शन आपके सही है या गलत है। चलिए हम इसको बताते हैं, यहां पर जरा ध्यान देंगे, ये Br किसके साथ निकल के बाहर हो जाएगा, Na के साथ बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये Na के साथ बाहर हो गया तो इसका मतलब यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, नो प्रॉब्लम। अब आपके पास क्या बचा हुआ है सर, C2H5 बचा हुआ है, हमने यहां क्या लिख लिया, C2H5 लिख लिया। अब आपके पास क्या बचा हुआ सर, OH बचा हुआ है, यहां हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ सर, जब एथिल ब्रोमाइड कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको क्या देता है, एथिल एल्कोहल देता है और आपको साथ में क्या मिल जाती है, सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले रासायनिक गुण की तरफ।
दोस्तों हम ये देखते हैं अगला हमारा रासायनिक गुण क्या होगा, और वो जो रासायनिक गुण हम कराएंगे वो रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई हुई है। रिएक्शन का नाम है दोस्तों विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। जरा ध्यान दीजिए, एक बार कोशिश करिए इसको ध्यान करने की। सर आपने जो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया हमको करवाई थी आखिरकार वो थी क्या? तो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया में हमने आपसे क्या कहा था? हमने कहा था कोई भी एल्किल हैलाइड होगा वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? हमने बताया था सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, और सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला कुछ यही तो बताया था, RONA, यही बताया था। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो यहां से आपको क्या पता चलता था? सर यहां से ये R होता था, ये O के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता था? एक सेकंड, इसको क्या लिख सकते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला NaOR होगा, ठीक है। ये वाला Na के साथ X क्या हो जाता है? सर बाहर हो जाता है, ये आपने बताया था विलियम संश्लेषण अभिक्रिया में। और ये R किसके साथ आ जाता है? O के साथ R बना देता है, कुछ यही तो बताया था हमने आपको। और इसको क्या बोला था? सर इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोला जाता है इसको? ईथर बोला जाता है। चलिए अब रिएक्शन हम कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? चूंकि हमको बनाना क्या है, एथिल ब्रोमाइड की रासायनिक गुण करानी है, तो एथिल ब्रोमाइड यहां पर ले लेते हैं, C2H5Br ले लिया, प्लस रिएक्शन कराने वाले हैं हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ। जब हम सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा, इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। चलिए नाम लिख देते हैं यहां पर वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड हमने लिख दिया। जब सोडियम एथॉक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको पता क्या है सर, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया में Na के साथ जो हैलोजन होता है वो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है कि नहीं? तो Na के साथ कौन सा हैलोजन है? ब्रोमीन है। चलिए इसको बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बाहर? सर NaBr बाहर हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? सर C2H5 बचा है, O बचा है, C2H5 बचा हुआ है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे? C2H5OC2H5। अब जरा देखिए ये भी तो ईथर ही है कि नहीं है? बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको क्या बोलेंगे? इसको सर बोलते हैं डाई एथिल ईथर। क्या बोलते हैं? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल क्यों बोला? क्योंकि ईथर का फॉर्मूला होता है बीच में ओ होगा और दोनों साइड में एल्किल ग्रुप लगे होंगे। बीच में ओ होगा, दोनों साइड में क्या लगा होगा? एल्किल ग्रुप लगा होगा। तो यहां पर कौन सा एल्किल ग्रुप लगा है? दोनों साइड में सर एथिल लगा हुआ है, इसीलिए कितने एथिल लगे हैं? दो एथिल लगे हैं, इसीलिए हमने क्या लिखा? डाई एथिल। और जब बीच में ओ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं, बिल्कुल। सो दोस्तों इस तरीके से हमने ये देखा, यहां से आपको क्या मिल गया? डाई एथिल ईथर। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप इस तरीके से लिख लीजिए C2H5Na। अब देखिए बिल्कुल इस तरीके से रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया? अब आपने क्या किया सर, इस Na के साथ Br को बाहर किया, C2H5OC2H5, यहां से आपको क्या मिल गया? डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगली रिएक्शंस। दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं रासायनिक गुण में, एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक गुण, जैसा हमने यहां पर लिखा हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कई बार आती है, ध्यान रखिएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को कैसे किया जाएगा। अब वो किसी के टर्म में आ सकती, हो सकता है मेथिल के टर्म में आ जाए, हो सकता है क्या होता है प्रोपिल के टर्म में आ जाए, अब वो किसी के टर्म में आ सकती है। यहां पर हम बात किसके लिए कर रहे हैं? एथिल ब्रोमाइड के लिए। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आखिरकार क्या होती है? तो वो कहती है जब एल्किल हैलाइड बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तब कौन सी रिएक्शन होती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती। चलिए हम बात करते हैं यहां पर एथिल ब्रोमाइड की। चलिए हमने यहां पर क्या ले लिया? एथिल ब्रोमाइड ले लिया। हमने क्या कहा? कोई भी एल्किल हैलाइड होता है जब वो बेंजीन के साथ अभिक्रिया करता है, और बेंजीन का फॉर्मूला कुछ यही तो होता है C6H6, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन की रिंग संरचना बोलते हैं। जब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ में तो आपको देगा क्या? ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर अंडरस्टूड क्या होता है सर? हर जगह क्या लगा होगा? H लगा होगा कि नहीं लगा होगा? सभी को पता होगा, ये सब चीजें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी।
इस संरचना में अंडरस्टूड होता है, यानी हमें पता होता है कि हर कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। अगर हर कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये बीआर एक हाइड्रोजन के साथ बाहर होगा, लेकिन वो हाइड्रोजन निकालेंगे कहां से, तो हमेशा कहां से निकालिएगा, आर्थो पोजीशन से निकालिएगा। आर्थो मेटा पैरा पोजीशन सबको पता होगी, इस पोजीशन को आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। ये सारी चीजें अभी हम जब अगला लेक्चर लेंगे तो वहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या होता है आर्थो, क्या होता है मेटा, क्या होता है पैरा, क्या होती है 1, 2, 3, 4, 6 पोजीशन। ये सारी चीजें हम बात करेंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको हेलो एरीन, तो वहां पर हम इन्हीं चीजों की बात करने वाले हैं। सो दोस्तों यहां पर क्या ध्यान रखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहती है कोई भी एल्किल हैलाइड होगा वो आर्थो पोजीशन से हैलाइड को ले जाएगा और वहां पर ये वाला पोर्शन जुड़ जाएगा। अब यहां से बीआर ये हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी यहां से आपके पास क्या मिल गया, HBr मिल गया, यानी ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर हो गया, किसके साथ, बीआर के साथ। अब यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया है तो इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ तो लगाएंगे, तो लगेगा क्या, C2H5 लग जाएगा। तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से एक संरचना दिखाई देगी और संरचना वही है जहां से हाइड्रोजन हटाया है वहां पर आपको क्या लगाना है, C2H5 लगाना है। इसको क्या बोलते हैं, एथिल बेंजीन बोलेंगे। और यहां पर भी हाइड्रोजन लगा था, यहां भी लगा था, यहां भी लगा था, यहां भी लगा था और यहां भी लगा था, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब कहां से था सर, आर्थो पोजीशन वाला हाइड्रोजन हटाना है, वहां पर C2H5 को लगाना है, या ऐसा भी समझ सकते हैं वहां पर आपको एल्किल ग्रुप को लगाना है और हैलोजन को उसके साथ क्या कर देना, हाइड्रोजन के साथ बाहर कर देना। सो दोस्तों इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दोस्तों मैं कई बार आपसे बोलता हूं कि आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, रिएक्शंस यहां पर आसान लगती होंगी आपको, हम मानते हैं रिएक्शन आसान होती भी हैं, लेकिन वो कब आसान होती हैं, जब आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं। कई बार हम लोगों से रिएक्शंस गलत हो जाती हैं जबकि हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो इसलिए आप भी बेटा प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रिएक्शंस याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगली रिएक्शन देखते हैं, एथिल ब्रोमाइड की अगली रिएक्शन हम जो कराने जा रहे हैं उस रिएक्शन से भी आप परिचित हैं, वो रिएक्शन भी हमने आपको कराई है। जब हम किसी एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते थे तो आपको क्या मिलता था, तो आंसर क्या होगा, सर आपने एक रिएक्शन कराई थी जिसमें आपने ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाया था, वहां पर क्या करते थे कि कोई भी एल्किल हैलाइड होता था मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता था और आपको क्या बना के देता था, सर आपको देता था RMgX, और इसे ही क्या बोलते थे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बोलते थे कि नहीं बोलते थे, बिल्कुल। सो दोस्तों यहां पर एथिल ब्रोमाइड ले लिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, R की जगह आपने क्या लिया है, C2H5 लिया है, Mg था Mg ले लिया, X की जगह आपने क्या लिया है, Br ले लिया, तो इसको क्या ले लिया, यहां पर Br ले लिया। आप देखिए जरा कुछ ग्रिगनार्ड अभिकर्मक वाली रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों जो भी चीजें हम यहां पर डिस्कस करते हैं, जो भी चीजें बोर्ड पर डिस्कस करते हैं, उन सारी चीजों के आपको हैंड रिटन नोट्स जरूर मिलते हैं। और ध्यान क्या है सर, वो हैंड रिटन नोट्स आपको कहां मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया जाता है, लिंक पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, PDF को डाउनलोड करते हैं और नोट से पढ़ाई जरूर करते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, अभी तक हमने ये देखा कि एथिल ब्रोमाइड को कैसे बनाया जाएगा, अब हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की, किसकी बात करेंगे, क्लोरोफॉर्म, यानी आखिरकार ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है, इसकी बनाने की कितनी विधियां होती हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों इसको हटाते हैं और बनाते हैं हेडिंग क्लोरोफॉर्म के बारे में। सो दोस्तों यहां पर हमने क्लोरोफॉर्म को बना लिया है, अब दोस्तों देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा है CHCl3, ये फॉर्मूला किसका होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं जो क्लोरोफॉर्म होता है उसकी बनाने की दो विधियां होती हैं, दो विधियों के द्वारा हम क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। पहली विधि क्या होगी सर, एथिल एल्कोहल के द्वारा, एथिल एल्कोहल के द्वारा, ठीक है, और दूसरी विधि होती है दोस्तों एसीटोन के द्वारा, एसीटोन
के द्वारा। एथिल एल्कोहल का तो फॉर्मूला आपको पता होगा, एथिल एल्कोहल का मतलब क्या होता है, C2H5OH, और एसीटोन का फॉर्मूला भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा CH3COCH3। ये फॉर्मूला किसका होता है, एसीटोन का। यानी जो क्लोरोफॉर्म होती है वो हम एथिल एल्कोहल के द्वारा भी बना सकते हैं और एसीटोन के द्वारा भी बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे? सर, आप एथिल एल्कोहल हो या एसीटोन हो, आप इनकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? यहां पर हम लिख रहे हैं विरंजक चूर्ण। क्या होता है सर? विरंजक चूर्ण, इसका नाम आपने सुना है। अभी इसका दूसरा नाम लिखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नाम सुना हुआ है तो सभी का आंसर क्या होगा, यस सर, ये तो नाम हमने सुना हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर। यानी आप एथिल एल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सर, जब आप एथिल एल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म मिलेगा। या आप एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म मिलेगा। ध्यान रखिएगा, एथिल एल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन होने से क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से एसीटोन की जब रिएक्शन कराएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, सर ये जो ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला, सर हमें कुछ ध्यान था लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जरा आप इसको बता दीजिए। सो दोस्तों इसका फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपस में बात होती रहती है तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या फॉर्मूला होता है? CaOCl2। ये फॉर्मूला किसका होता है? ब्लीचिंग पाउडर का। अब दोस्तों रिएक्शन कराएंगे बारी बारी से, पहले एथिल एल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करा के क्या प्राप्त करेंगे, क्लोरोफॉर्म प्राप्त करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करा के क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों पहले हम एथिल एल्कोहल की रिएक्शन को देखते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। जैसा कि हमने यहां पर पहले लिख लिया है, एथिल एल्कोहल के द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाना है। हमने दो विधियां बताई आपको, पहला एथिल एल्कोहल के द्वारा, दूसरा एसीटोन के द्वारा। पहले हम एथिल एल्कोहल के द्वारा क्लोरोफॉर्म को बनाते, और हमने क्या बताया था, सर आपको क्या लेना पड़ेगा, एथिल एल्कोहल। चलिए एथिल एल्कोहल ले लिया। हमने क्या कहा था, एथिल एल्कोहल की किसके साथ रिएक्शन करानी है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण के साथ रिएक्शन करानी है। तो विरंजक चूर्ण का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था CaOCl2, ये फॉर्मूला बताया था आपको। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराने वाले, जब ये रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये एक बार में क्लोरोफॉर्म नहीं बनता बल्कि इसके तीन स्टेप होते हैं। अब ये तीन स्टेप कैसे होंगे इसकी हम बात कर लेते हैं। पहला स्टेप यहां पर लिख लेंगे, दूसरा स्टेप यहां पर लिख लेंगे, और तीसरा स्टेप यहां पर लिख लेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि एथिल एल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। अब इसको थोड़ा सा हम आपके लिए और आसान कर देते हैं। इस C2H5 को कुछ इस तरीके से ना लिखकर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, CH3CH2 लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा, यस सर, हम इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी यहां पर हमने क्या लिया, सर इसका नाम है एथिल एल्कोहल, हमने अभी पढ़ा हुआ है एथिल एल्कोहल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का मतलब ब्लीचिंग पाउडर। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो देंगे क्या? सो दोस्तों यहां से जो CH3 है ये CH3 है, चलिए देखते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले CH3CHO। क्या देगा? CH3CHO। सिंपल सी बात है, आप ये समझ लीजिए यहां से आपको क्या निकालना है, वाटर निकालना है। एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं, यहां से आपको वाटर निकालना है। या अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप ये समझ सकते हैं, सर ये वाला H2 आप पूरा का पूरा बाहर कर दीजिए। जब ये वाला पूरा का पूरा H2 बाहर हो जाएगा तो जरा देखिए, CH3 लिखा है, C लिखा है, O लिखा है, H लिखा है, इसको कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे। जब इस तरीके से लिख लेंगे तो इसका नाम सभी को पता होगा, इसे क्या बोलते हैं, एसीटेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटेल्डिहाइड। नाम सभी को ध्यान होगा, इसको बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं, सर चलिए एसीटेल्डिहाइड बना लिया, अब हमको क्या मिलेगा, सर यहां से जो CA है और ये जो CL2 है ये क्या हो जाएगा,
CaCl2 बना देगा। सर ये CaCl2 बन गया, नो प्रॉब्लम, कैल्शियम क्लोराइड मिल गया। अब यहां से आपने पूरा का पूरा क्या निकाला था, H2 निकाला था कि नहीं, और यहां पर क्या बचा, O बचा हुआ है, और H2 और O मिलके क्या बना देगा, तो जैसा सभी को पता रहता है सर, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। हुआ क्या सर, सबसे पहले रिएक्शन हमने कराया एथिल एल्कोहल की, जब विरंजक चूर्ण से रिएक्शन कराई तो हमने ये देखा कि यहां से हाइड्रोजन, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण जब रिएक्शन करेगा तो आप यहां से H2 को बाहर करेंगे तो ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देगा, CA और Cl2 मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। अब आपके पास क्या बचा सर, CH3COH बचा है, बल्कि उसको कैसे लिखना है, CH3CHO, यानी हमको बनाना क्या है, पहले एसिटाइल्डिहाइड बनाना है। तो जब पहले स्टेप में क्या होता है, एथिल अल्कोहल विरंजक चूर्ण से जब रिएक्शन करता है तो आपको क्या मिलता है, एसिटाइल्डिहाइड मिलता है। अब सेकेंडरी स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो एसिटाइल्डिहाइड है, यानी यहां पर हमने क्या लिखा, CH3CHO, ये फिर से रिएक्शन करेगा, और फिर से रिएक्शन किसके साथ करेगा, फिर से रिएक्शन करेगा विरंजक चूर्ण के साथ। चलिए फिर से इसकी रिएक्शन कराते हैं विरंजक चूर्ण के साथ। अब जब हमने इसकी रिएक्शन फिर से विरंजक चूर्ण के साथ कराई, अब हमको ये क्या देगा सर, यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 times of CH3CHO, और यहां पर हम क्या लेंगे, 6 times of CaCl2। ये सारी चीजें तभी आप आएंगे जब आप क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा CCl3CHO, क्या मिल जाएगा आपको, CCl3CHO, कितने टाइम मिलेगा, 2 times CCl3CHO आपको मिल जाएगा। प्लस आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलने वाला है सर CaOH का होल ट्वाइस, प्लस क्या मिलेगा आपको, CaCl2 मिल जाएगा। लेकिन कैल्शियम कितने हैं, 6 हैं, इसका मतलब 3 कैल्शियम यहां से मिलेंगे और 3 कैल्शियम यहां से मिल जाएंगे। जरा ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस है, आप इसको घर पे आराम से बैठ के देखेंगे तो पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है सर, ये जो एसिटाइल्डिहाइड होता है ये फिर से विरंजक चूर्ण के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन विरंजक चूर्ण यहां पर 6 times हो जाएगा, यहां पर जो एसिटाइल्डिहाइड है वो 2 times हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, 2 times जब रिएक्शन करेगा तो आपको क्या देगा सर, 2 times of CCl3CHO देगा, 3 times of CaOH का होल ट्वाइस, 3 times of CaCl2। अब इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरल, क्या बोलते हैं, क्लोरल, नाम ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल। इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो क्लोरल है ये फिर से रिएक्शन करेगा और किसके साथ करेगा सर, CaOH का होल ट्वाइस, इसी के साथ, यानी CCl3CHO, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ रिएक्शन करने वाला है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, और CCl3 कितना है, 2 times है, लेकिन यहां पर CaOH आपको 1 time ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब आपको क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, और आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा HCOO का होल ट्वाइस इंटू कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम, नाम लिख लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या कहते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान क्या रखना है आपको सर, सबसे पहले इतना ध्यान रखना है, जो क्लोरोफॉर्म होती है वो सिंगल स्टेप में नहीं मिलती है, बल्कि पहली रिएक्शन यानी एथिल अल्कोहल के द्वारा 3 steps में मिलती है क्लोरोफॉर्म। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है, आपको यहीं से इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही होगी कि क्लोरोफॉर्म सिंगल स्टेप में मिलेगी ही नहीं। अगर कोई भी ऐसा है जो कहेगा सर इसको सिंगल स्टेप में बना देंगे, तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि हमको क्या करना है, उसको 3 steps में डिवाइड करके उसकी रिएक्शन करानी है। पहले स्टेप में हमको क्या मिलता है, एसिटाइल्डिहाइड, दूसरे स्टेप में हमको क्या मिलता है, क्लोरल, तीसरे स्टेप में हमको क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म।
तो सबसे पहले जब एथिल अल्कोहल विरंजक चूर्ण से रिएक्शन करता है तो एसीटाइल्डिहाइड आपको मिला। उसके बाद जब ये एसीटाइल्डिहाइड जो होता है वो फिर से विरंजक चूर्ण के साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या मिलता है, क्लोरल मिलता है। फिर ये जो क्लोरल होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको मिलता है क्लोरोफॉर्म, और यहां से क्या मिलता है, कैल्शियम फॉर्मेट मिलता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लोरोफॉर्म की पहली विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों लेक्चर बहुत बड़ा ना हो सो इसलिए इसको हमको क्या ध्यान रखना है, सर जो एसीटोन के द्वारा हम क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करेंगे वो हम कहां प्राप्त करेंगे, सर वो हम अपने अगले लेक्चर में प्राप्त करेंगे क्योंकि वहां से हम ये देखेंगे कि एसीटोन के द्वारा क्लोरोफॉर्म को कैसे प्राप्त किया जाएगा, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण क्या होंगे, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण क्या होंगे, इनके सबकी भी हम बात करेंगे, लेकिन वो सारी बातें हमारी कहाँ होंगी, अगले लेक्चर में होंगी। तो दोस्तों जिस इस लेक्चर में और हम जो पीछे के लेक्चर्स लिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उनकी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे रिएक्शन तैयार नहीं होगी। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिएगा, तब तक आप इनकी भी प्रैक्टिस करिए कि क्लोरोफॉर्म को 3 स्टेप में हम कैसे प्राप्त करेंगे। मिलेंगे कल और देखेंगे कि एसीटोन के द्वारा क्लोरोफॉर्म को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।